राष्ट्रीय पार्टी है बसपा, उसको किसी ने जो है बुलाया नहीं है, खुद नहीं गए उनके गठबंधन में? देखिए, ये तो काफ़ी इंटरनल चीज़ें हैं, काफ़ी बड़े लेवल की बात आप मुझसे पूछ रहे हैं, मुझे नहीं मालूम है। ये आप कैसे मतदाता है ना? नहीं, मतदाता तो हूँ, मुझे नहीं पता है कि कैसे 38 दल साथ आए और कैसे 26 दल साथ आए और बहन जी को किसी ने बुलाया नहीं या बहन जी खुद नहीं गए हैं, मुझे इसके बारे में नहीं पता। लेकिन मुझे एक बात पता है कि 38 दलों को लेकर जो एक हमारे प्रधानमंत्री जी हमारे मोदी जी चल रहे हैं, इतनी मजबूत शक्ति आज के टाइम पर वो हैं इंडिया में, उनको भी जीतने के लिए 38 दलों का सहारा लेना पड़ रहा है। राहुल गांधी जी, अरविंद केजरीवाल जी, ऐसे जो इतने सशक्त नेता आज के टाइम पे जो उभर रहे हैं, उनको भी 26 दलों को साथ लेने की ज़रूरत पड़ी। लेकिन यहाँ पर ऐसी कौन सी ताकत है हमारी बहन जी के साथ, हमारी BSP के साथ, जो कि वो हमेशा यही कहती है कि हम अकेले ही लड़ेंगे? मुझे इसके पीछे का लॉजिक समझ नहीं आता कि ये कैसे पॉसिबल है। मिशन चला रहे हैं, राजनीति नहीं कर रहे हैं? नहीं, आज मिशन नहीं है, मिशन पहले था मिशन, आज मिशन नहीं। आज के लोग, यहाँ तक कि मैं कह रही हूँ, हमारे नेता मिशन का क ख ग भी नहीं जानते हैं। आज तो सिर्फ राजनीति चल रही है। हमारे महापुरुषों ने, हमारी महास्त्रियों ने समाज के लिए अपनी कुर्बानी दी, लेकिन आज हमारा समाज लड़ रहा है। किसके लिए कुर्बान हो रहा है? बहन जी के लिए कुर्बान हो रहा है, आकाश आनंद के लिए कुर्बान हो रहा है, चंद्रशेखर रावण के लिए कुर्बान हो रहा है। समाज की लड़ाई कहीं खो गई है, कोई मिशन विशन नहीं है। मिशन पहले हुआ करते थे, मिशन गया हमारे महापुरुषों के साथ, आज सिर्फ राजनीति बची है। बहन जी के नाम की राजनीति, आकाश आनंद के नाम की राजनीति और चंद्रशेखर के नाम की राजनीति। तो क्या ये अकेले जो है कामयाब हो पाएंगे राजनीति में? नहीं, बिल्कुल नहीं, मैं तो नहीं मानती होने को। अब क्या करते हैं राजनीति में, क्या होता है मुझे नहीं मालूम, लेकिन मुझे नहीं लगता कि ये इस तरह से कामयाब हो पाएंगे, क्योंकि सिंपल सा एक लॉजिक आपको क्लियर नहीं हो रहा है। कहाँ 36 दल लेकर एक सबसे मजबूत नेता देश का, वो 38 दल लेकर चल रहा है, राहुल गांधी जैसे लोग हैं वो 26 दल लेकर चल रहे हैं, आप कैसे अकेले जीत जाएंगे? आप हमेशा से अकेले अकेले, और मुझे अकेले होने का लॉजिक समझ नहीं आता है कि जब आज देश की हालत वहाँ पहुँच गई है। मैं अप्रिशिएट करती हूँ राहुल गांधी जी को, मैं अप्रिशिएट करती हूँ अरविंद केजरीवाल जी को। जी को नहीं करती हो? नहीं करती मैं। आप तो बसपा में रहे हैं पहले। अरे, बसपा में रहने का मतलब ये नहीं है कि मैं गलती को, और यहाँ पर बहन जी का नाम आप ना ही लीजिए, क्योंकि मैं बहन जी की अभी कोई बात नहीं कर रही हूँ, मैं बात कर रही हूँ राहुल गांधी जी की और केजरीवाल जी की, और मैं उनकी पार्टी को सपोर्ट करने की बात नहीं कर रही हूँ। लेकिन उनका जो डिसीजन है, क्योंकि आज BJP ने जो हमारे देश को जहां धकेल दिया है, आज देश को जहां लाकर खड़ा कर दिया है, उस कंडीशन को समझते हुए आज जितने 26 दलों ने इसको समझते हुए कि हमारे देश कहां गर्त में जा रहा है, वो सब इकट्ठा हुए हैं। ये छोटी बात नहीं है, ये बहुत बड़ी बात है, और मैं इस डिसीजन का हमेशा से सम्मान करूंगी। मुझे नहीं मालूम कौन सी पार्टी कैसी है, मुझे नहीं मालूम क्या कहते हैं राहुल गांधी क्या सोचते हैं, केजरीवाल क्या सोचते हैं, वो राजनीति कर रहे हैं, कितनी बड़ी राजनीति कर रहे हैं, छोटी राजनीति कर रहे हैं, मुझे नहीं मालूम। मुझे इतना मालूम है कि वो आज देश की भलाई के लिए, आज मोदी जी जैसे जो एक तानाशाह राजा से अपने देश को छुटकारा दिलाने के लिए वो 26 दल इकट्ठा हुए हैं, उन्होंने बहुत अच्छा काम किया और बहन जी को इसमें शामिल होना चाहिए था। लेकिन पूनम जी, बड़ा सवाल ये है कि जो सवर्णों की पार्टी बताई जाती है, कांग्रेस और BJP, इन्होंने दलितों की किसी पार्टी को इन्वाइट नहीं किया, क्या इनको दलितों के वोट नहीं चाहिए या दलितों के वोट फ्री में लेना चाहते हैं जो इन्होंने इन्वाइट नहीं किया BSP को और USP को? मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूंगी और पूरे बहुजन समाज से रिक्वेस्ट करना चाहूंगी कि प्लीज हर घटना को आप दलित पिछड़ा स्वर्ण से जोड़कर मत देखिए। हर घटना इससे जुड़ी हुई नहीं होती है। आप देखिए ना, मैं सीधा सा कह रही हूँ कि जब आप 4 बार मुख्यमंत्री बन गए हैं, आप राजनीति में आ गए हैं, आपने मेहनत की, आप आ गए हैं, लेकिन आज यहाँ पर कौन क्या सोच रहा है वो बात नहीं, आज ये है कि सबको मिलकर देश बचाना है। मुझे याद है बहन जी ने एक ट्वीट शेयर किया था जब भारत जोड़ो यात्रा की थी राहुल गांधी जी ने, जब बहन जी ने धन्यवाद किया था कि उन्होंने मुझे इनवाइट किया है और मैं उनका धन्यवाद करती हूँ। बस मैं ये कहती हूँ कि भारत जोड़ो यात्रा में शामिल होने में प्रॉब्लम क्या थी? भारत जोड़ो यात्रा में शामिल होने का मतलब कांग्रेस को ज्वाइन करना नहीं था। ठीक है, 38 दल आ गए हैं NDA में, 26 दल इंडिया में आ गए हैं, क्या दलितों की इतनी वैल्यू नहीं है कि उनको भी शामिल कर लिया जाए अपने उसमें गठबंधन में? मैं फिर कह रही हूँ, हर घटना को दलित और स्वर्ण से मत जोड़िए। किसने रोका? क्या ऐसा है कि उन्होंने बहन जी को बुलाया था और बहन जी ज्वाइन नहीं हुई है? क्या ऐसा है? क्या आप इस चीज का मुझे प्रूफ देंगे? क्या ऐसा है, आप मुझे बताइए। तो मैं अननेसेसरी क्यों बोलूं कि दलितों के साथ ये अन्याय हुआ है? जब राहुल गांधी जी ने भारत जोड़ो यात्रा के लिए इनवाइट किया था, तब क्यों नहीं गई बहन जी? तब क्यों नहीं भेजा आकाश आनंद को भारत जोड़ो यात्रा में?
बताइए, तब तो बुलाया था ना, तब क्यों, तब तो नहीं बोला कि दलितों को सम्मान दिया राहुल गांधी ने। हर जगह दलित और पिछड़ा कहकर आप अपना ही अपमान करते हैं, उनका कुछ नहीं करते हैं। बाबा साहब ने आपको इतनी बड़ी ताकतें दी हैं, आपको संविधान बनाकर दिया, आपको पढ़ने की ताकत दी है, उसके बावजूद अगर आप आज तक दलित और पिछड़ा चिल्लाएंगे तो कमियां आप में हैं। तो राजनीति तो इसी के दम पे चलती है ना? चलती है, बेशक चलती है, लेकिन राजनीति दिमाग से खेली जाती है, भावनाओं से नहीं। और ये जितने भी लोग हैं, मैं फिर कह रही हूँ, मैं कांग्रेस को अप्रिशिएट नहीं कर रही हूँ, मैं बीजेपी आम आदमी पार्टी को अप्रिशिएट नहीं कर रही हूँ, मैं ब्रेन यूज करने को अप्रिशिएट कर रही हूँ कि कोई भी कहीं भी लड़ रहा है। आज हर किसी की आवाज़ सामने आती है, आए दिन राहुल गांधी जी की एक्टिविटी नज़र आती है, अरविंद केजरीवाल जी की एक्टिविटी नज़र आती है, मुझे बीएसपी के एक नेता की एक्टिविटी नज़र नहीं आती है। जहां होता है बस शोर शराबा। अरे शोर शराबे से आपको रिजल्ट दिख रहा है क्या? कुछ भी मुझे ऐसा नज़र नहीं आ रहा है कि जिससे कि लगे कि हाँ पॉलिटिक्स में है ये लोग, मुझे नहीं लगता है। और मिशन चिल्लाते हैं, कभी तो कहते हैं, अगर कभी बात करें तो बोलते हैं कि आप क्या कहते हैं राहुल, उसको अखिलेश को नहीं देखती हैं आप, राहुल गांधी को नहीं देखती हैं आप, सिर्फ आकाश को देखती हैं। मैं एक बात बताइए, आप खुद ही तो बोलते हैं कि आपकी पार्टी पार्टी नहीं है, मिशन है। जब आप खुद ये कहते हैं कि आपकी पार्टी पार्टी नहीं है, मिशन है, तो आप दूसरी पार्टियों को क्यों देख रहे हो? आप मिशन कहते हो तो हम तो मिशन को देखेंगे, हम अपनी पार्टी को देखेंगे। आपके घर में कोई प्रॉब्लम है तो आप पड़ोसियों को दोष देंगे क्या? अपने घर में सुधार नहीं करेंगे? हम अपने घर में सुधार करना चाहते हैं, हम बहन जी तक अपनी बात पहुंचाना चाहते हैं कि बहन जी ये सब जो हो रहा है ये सही नहीं हो रहा है। आज की राजनीति जिस तरह से खेली जा रही है या जो कोई भी कर रहा है उसमें हम बिल्कुल भी एक्टिव नहीं है। यहाँ पर सिर्फ एक ये चल रहा है, मतलब एक तरह की तानाशाही हमारे भी पार्टी में आ चुकी है, कुछ लोग राज कर रहे हैं। आप कभी भाषण सुन के देखिए हमारे लोगों के, कभी भाषण सुन के देखिए क्या बोलते हैं, कुछ क्लियर ही नहीं है। आज सुनिए आप राहुल गांधी जी को सुनिए, पहले के आप उनके भाषण सुनिए, कितनी मैच्योरिटी उनमें आई है। वो संसद में फ्लाइंग किस देकर कह रहे हैं वो? ये सब जानते हैं कि क्या इसके पीछे का लॉजिक था, मैं इस पर नहीं बोलूंगी। मैं बस इतना बोलूंगी कि आप लॉजिक से चलिएगा, और लॉजिक ये है कि आज की डिमांड है कि एक्टिवली आप काम कीजिए, जो करेगा वो सत्ता हासिल करेगा, जो नहीं करेगा वो दलित पिछड़ा ही बोलता रह जाएगा। बीएसपी का काम दिखता नहीं है आपको? शायद नहीं दिखता है, तभी तो मैंने अभी तक ज्वाइन नहीं किया, अगर दिखता तो मैं ज्वाइन करती। आकाश आनंद में काम कर रहे हैं राजस्थान में, मध्य प्रदेश में। काम करने के मीनिंग अब क्या समझते, क्या मीनिंग है काम करने का? बस चार पाँच, मैं यहाँ पर आ गई तो मैंने काम कर दिया क्या? मैं जंतर मंतर पर आ गई, मैंने काम कर दिया क्या? बड़ी रैली करी आकाश आनंद ने। मैं कह रही हूँ ना, मैं ले आऊँ, मैं एक रैली कर दूँ, मैं 2-4 लाख रुपए खर्च करके एक रैली कर दूँ, उसको आप काम कहेंगे क्या? चलिए बिना पैसे के भी लोग मेरे साथ आ जाएं, आप उसको काम कहेंगे क्या? क्या काशीराम साहब ने सिर्फ रैलियां की थी? जिस काशीराम साहब ने ये पार्टी बनाई, जिस काशीराम साहब जी के कहने पर, जब मतलब उनके अकॉर्डिंग जो पार्टी का संविधान बना है, जो पार्टी चल रही है, उन्होंने अपनी उत्तराधिकारी बनाया है, उन्होंने जिन लोगों को इसमें शामिल कराया था, क्या था उनका एजेंडा? यही एजेंडा था, बस रैलियां करो, लोगों को इकट्ठा करो, बड़ी बड़ी बातें करो। तो बीजेपी तो रैली करती है, बड़ी बड़ी रैली करती है, वो काम भी तो करती है। पार्क जाते हैं आप? क्या काम, क्या बात? पार्क जाते हैं आप सुबह? नहीं जाते हैं तो जाकर देखिए, अगर पार्क में चार हिस्से होंगे, चारों हिस्सों में कैंप लगे होते हैं आरएसएस के, वो सिखाते हैं, जहाँ जाएंगे वहीं पर तालियां बजा बजा के लोग डिस्कस करते हैं, चार लोग यहाँ डिस्कस करते हैं। कहीं अपने लोग दिखाई देते डिस्कस करते हुए अंबेडकर के ऊपर? अंबेडकर का नाम सुनते तो हमें जंतर मंतर आना पड़ता है अंबेडकर का नाम सुनने के लिए, क्यों? बीएसपी कैडर कैंप लगा रही है। कैडर कैंप आपको नहीं पता है क्या? कैडर कैंप कहाँ लग रहे हैं? मुझे तो कोई कैडर मिला नहीं है, और जहाँ लगता भी है इक्का दुक्का, उसके लिए 500 रुपए मांगे जाते हैं, तो मेरे पास नहीं है 500 रुपए। बिल्कुल भी सहमत नहीं हूँ, और आकाश को मैं छोटे भाई की तरह ट्रीट करती हूँ, चाहे वो हमें ट्रीट करें ना करें। और मैं उनसे ये कहना चाहती हूँ कि आपको इस तरह का बयान नहीं देना चाहिए, आप एक उभरते हुए नेता हैं, थोड़ा सा समझिए दूसरा क्या कर रहा है, उसको छोड़ दीजिए। आप लंदन से पढ़ाई करके आए हैं, सारे तो लंदन से पढ़ाई करके नहीं आए हैं ना, तो आप सबसे अपने आप को कंपेयर कैसे कर सकते हैं कि दूसरे ने ये किया तो हम भी यही करेंगे? आप थोड़ी समझदारी दिखाइए। आप बहन जी जैसे इतने बढ़िया नेता
के भतीजे हैं आप, कम से कम अपने शब्दों को उस चाप पे ध्यान दीजिए। चंद्रशेखर रावण ने क्या किया क्या नहीं किया उसको छोड़ दीजिए। आपसे जब उन्होंने ये पूछा कि भीम आर्मी को लेकर आप क्या कहना चाहेंगे, आपका सिंपल सा जवाब ये होना चाहिए था कि ठीक है जो जहाँ है जैसा है काम कर रहा है, हमारे लिए समाज सर्वोपरि है, समाज का काम हो रहा है, हम सब एक है, बात खत्म हो जाती है वहाँ पर। लेकिन नहीं, उन्होंने कुछ अलग से ही वर्ड कहे, वो गलत है, छोटा मोटा क्या होता है। हाँ बिल्कुल, परिवारवाद शुरू हो चुका है, आकाश आनंद उसकी पहली पीढ़ी है, बिल्कुल चल रहा है। पार्टियों में आपको नहीं दिखता परिवारवाद? फिर वही बात, कमलनाथ फिर वही बात, मैं क्यों देखूं? क्या बसपा पार्टी है? क्या बसपा पार्टी है? मैं आप लोगों से पूछना चाहती हूँ, क्या बसपा पार्टी है? नहीं है ना, मिशन है ना आपका, तो आप दूसरी पार्टियों को क्यों देखते हैं?